अज्जा ने मिलत इस्लामी आप तमामी को वो फसल की तरफ से सलाम उड़ रहे घर में बैठी पड़दा रिशी नज़्ज़तदार माँ और बहनों को वो फ़सल की तरफ से सलाम उड़ रहे दे। ये देखिए मरदूत ये नस्ल हराम ये खबीस का बच्चा ये सवर की औला से तो आप लोग वाकिफ हैं एक साल पहले तकरीबन साल भी नहीं हुवा होगा एक छः आठ महीने में जिस तरीक़े से पूरे फ्रांस में जो इस्लाम की तोहन करा था इस्लाम की शरीयत में गुस्ताखी करा था हमारे और आपके और हमारी उम्मत के हज़ुर पाक सल्लल्लाहु अलैहि सल्ला से महमद उनकी शान में गुस्ताखी करा था तो इस नस्ल हराम को एक मामली मामूली मुसलमान नहीं होता मादरत खवा हूँ मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ तो हमारे एक कलमा भाई ने इस हरामजादे इस नस्ल हराम के ऊपर इसके ख़ुद के कंट्री में तमाचा जिस तरीक़े से रसीद किया जिस तरीके से उसको एक पचखड़ लगाया बहरहाल उस हमारे भाई को आज रज्ज़ब ते बुरदगा ने इस सुवर को इस नापिकार को इस मरदूत को इस हरामी नस्ल के कुत्ते को टेलीफोन करके रजब तेबर्दगा ने वार्निंग दी और उस वार्निंग की बुनियाद पर बड़ा तलमल आ गया इसने बहरहाल उस हमारे भाई को रिहाई मिली तो यानी ये बता रहा हूँ कि हमारे हमारे मुसलमान में कितनी वो रहती किसी को नहीं देखते किसी को नहीं देखते चाहे वो सिंग लगाए उसकी सिंह को किस तरीके से तोड़ना हमारे कलमा भाई को आता है तो देखो अनभत हो गो और मुद्र से बाहर निकलो ईमान का जज्बा क्या होता है इसलिए छेड़ो मत नहीं तो छोड़ेंगे नहीं एक अकेला हमारे भाई ने उस खबीस उस फ्रांस के प्रेसिडेंट को किस तरीके से तमाचा मारा और एक पीठ में एक लादमी मारा पीठ में लादमी मारा उसके बाद उसको गिरफ्तार किया गया उसको ले जाया गया ले जाकर उसको दो दिन यानी अड़तालीस घंटे के अंदर रिहाई भी मिली अरे भैया इसी इस्लाम के सारे हीरो होते हैं मालूम जब अपनी असलियत पे और अपने आबा से निकल जाए तो यही कारनामे में अंजाम देते यही कारनामे अंजाम देते हैं अब क्या रही इसकी इज्जत इसके देश में बताइए आप अगरचे ये इज्जतदार रहता खुद चुटकी भर पानी में डूब मर जा वो भी चुटकी भर पानी में कोई सी कोई गटर वटर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं ये गटर वटरे तो जो हमारे आर एस एस के जो पटवा है गो और मूत्र खाने वाले गोबर खाने वाले मूत्र पीने वाले हैं उपली में डायमंड ढूंढने वाले घूमे हीरे ढूंढने वाले मजुरा ढूंढने वाले वो लोगों के लिए होता है तो ऐसे खबीस के बच्चे जितने भी कम जहनी का शिकार जो है धमाके बीमार जो है तो उनके लिए एक मैसेज है मेरा इसलिए इस्लाम के बारे में बोलना छोड़ो जितने भी नापिकार और मरदूत की औलादे हैं जो नसरे हराम है वो लोग ही है। बोलते हैं वो लोग ही बोलते हैं जिसको अमन से सुकून से बड़ी एनर्जी होती है तो इसीलिए ये फैलाने के लिए भड़काओ बातें करते इस्लाम के ऊपर से रहा होते जबकि इनका ना कोई वजूद था ना वजूद है ना वजूद रहेगा ये कि वो गटर की वो एक गंदी बीमारी है ये वो नस्लें हैं जिसका नाम लेना भी ना खुशगवार महसूस होता अबू फसल को इनको उतार के छोड़ दिए वे भाई इस्लाम के नाम से और ये क्या है ये धक्का मिया भाइयों को चाहिए मालूम अदरक लहसन प्याज टमाटर जो हमारे बेचने वाले भाया जो फिरते हैं ना गलियों में वो लोग तांग छांग करे सोए वो लोग कब निकाले वो कब इस्तेमाल हुआ मालूम नहीं समझे ना तो बहरेल आप लोगों को यही कहूँगा आप लोगों को जो बताया मैंने एक हमारा कलमा भाई एक अकेला निहत्ता था उतनी सिक्योरिटी रहने के बावजूद हिम्मत देखो भाई हिम्मत है मदा तो मदद खुदा क्या तमाचा मारा भाई पूरे उंगलिया उतर गए उसके कल्ले पे मालूम उसके बाद उसको शूट करने का आर्डर देने वाले थे उन। लेकिन जो इस्लाम का शेर और रहबर है रज्जब तेबर्द उर्दगान के एक टेलीफोन पे उसको रिहाई मिल गई नहीं तो रजब तेबर्दगान घुस के मारते बोले मालूम घुस के मारते बोले उन्हें तो एक तमाचा मारा हम कितने तमाचे मारेंगे तुम गिन नहीं सकते तुम गिन नहीं सकते हम उतने तमाचे रसीद करेंगे फिर तुम वो गुस्ताख है जो तुमको कभी माफ नहीं किया जा सकता तुम वो जहरीले नाग नागे जो तुम्हारे जहर तो खींच ला उसका इलाज कर दिया गया लेकिन तुम हमेशा ऐसे ही जहरील होते रहेंगे ऐसे ही रसवा होते रहेंगे दो बहर हाल आप लोगों को यही कह दूँ मैं जो हरामज़ादे ने जितने मस्जिदें जो फ्रांस में बंद किया था वो तो अब काफ़ी खुल चुके हैं है ऐसे थोड़े से बंद वो भी बहुत जल्द खुल जाएंगे और रही बात जो उधर बुरखे पे और हिजाब पे पाबंदी आयद की गई थी वो हटा ली गई है वो खोल दी गई है चाइना में भी कुछ मस्जिदें हैं जो खुल चुके हैं कुछ मस्जिदों पे पाबंदी आयद है इनशाला वो भी बहुत जल्द खुल जाएंगे और वहाँ पे भी बुरखे पे जो पाबंदी आयद की गई थी बता दिया गया है बहुत जल्द खुल जाएंगे इन शह पाबंदी हटा ली जाएगी और रही बात जो हमारे देश में हमारे देश के जवानों को जिस तरीके से चंगा चाय 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 ये चूहे और बिल्लियाँ खाने वाले जो हराम हर चीजें खाते हैं जो पिका गोश्त खाते हैं जो हरकत जो कर रहे हैं उनकी जनपद को भी लगेंगे अपन एक वीडियो उनके ऊपर भी रहेगी एक वीडियो उनके ऊपर भी रहेगी सही देंगे दबा के घप दब बोलिए हाई ते, ते वो लोग मालूम उनके ऊपर बड़ा रहमा था मालूम क्योंकि नीचे से निकल जाते लोग कभी भी अपन दौ खेलने की कोशिश करो नीचे से निकल जाते अरे बड़े थूक पास होते जैसे आर एस एस के चटुए रहते हैं ना समझे ये हगरे रेपाला जैसा रहते हैं समझे वैसे ही रहती है ये भी तो इनका कोई गिनती में आने वाले नहीं है लेकिन इनकी जनपद को बराबर लगा जाएगा बराबर देंगे इनको अच्छा देंगे वो ये भी है और दूसरा और एक आप लोगों को बता दो मैं ये क्या है यार जहन में से भी निकल जा रहा ऑपरेशन में जब से मालूम जब से ओपन हार्ट सर्जरी हुई तुम्हारे भाई की जब से थोड़े बातें थोड़े चीज़ें दिमाग में से निकल जा रहे मालूम लेकिन चलो कोई बात नहीं इन याद आ जाता हालांकि वीडियो से पहले वही वीडियो थी मेरी ये वीडियो से पहले वही वीडियो थी लेकिन फिर भी चलो ये वीडियो देखो देख के एंटरटेनमेंट करो अल्लाह का शुक्र मानो कि अल्लाह इज़्ज़त ने इस हरामजादे को इस पापी को इसकी औकात दिखा दी एक हमारा कलमा भाई ने जिस तरीके से उसको हमारा बड़ी ख़ुशी महसूस हुई और बड़ी तकलीफ़ ही थी हमारे दिल को कि उस भाई को हमारे अरेस्ट किया गया था अभी बड़ी ख़ुशी हो रही यही दिल को कि इस भाई को हमारे छोड़ दिया गया और हम सारे मुसलमानों के लिए बाज़ फखर की बात है बज़ मसरत की बात है और लिंडवों के लिए आर एस एस के चट्टों के लिए जो गंदी ज़हनियों के गंदी जहनीत जो रखते देखो समझ जाओ सुधर जाओ नहीं तो गुजर जाओ बाद में नहीं बोला अबू फ़सल नहीं बोले थे बोल के बोल तो पहले ओकेकूम